देखो, एक किसी भी वेव के लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और एक और टर्म है जिसको बोलते हैं वेव की इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अगर एक वेव है और ये एक वेव है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अगर एक लाइट है, लाइट का एम्पलीट्यूड अगर कम है तो लाइट कम गिरेगी, सोर्स में से कम निकलेगी, उसकी एनर्जी कम होगी। अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो बिल्कुल लाइट नहीं निकलेगी, और अगर एम्पलीट्यूड बहुत हाई है तो लाइट ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, अब लाइट ज़्यादा निकलेगी कम निकलेगी, वो मेजर कैसे करेंगे? एनर्जी से। तो दूसरी टर्म आती है एनर्जी। तो एम्पलीट्यूड डायग्राम से दिखा देता है कि लाइट किस में ज़्यादा किस में कम है। दूसरी टर्म है इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है, ये ऑलरेडी हमने ईएम वेव में की हुई है। इंटेंसिटी होती है कितनी एनर्जी है लाइट की पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में कितनी लाइट है, कितने समय में गिर रही है, वो इंटेंसिटी है। इन शॉर्ट, इंटेंसिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। एम्पलीट्यूड वेक्टर है, इंटेंसिटी स्केलर है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, लाइट ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है। इंटेंसिटी कम है, एनर्जी कम है, लाइट कम है, एम्पलीट्यूड कम है। अब एक रिलेशन है जो प्लस वन में कराया जाता है, आप रिकॉर्डिंग में चेक भी कर सकते हैं, मैंने किया भी था, वो ये कि लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, किसी को प्रूफ देखना है प्लस वन की रिकॉर्डिंग जाके देख ले, जिसमें इंटेंसिटी का टॉपिक करवा रखा है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है प्लस टू में। बस सीधा रिजल्ट यूज करेंगे, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।